गुड मॉर्निंग। आज का चैप्टर है हम लोग का बाबू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। याद रखना है बाबू, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को एक नाम से और जानते हैं, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। अब कोई पूछे कि पास्ट इम्परफेक्ट टेंस क्या है और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, तो बस सिंपली जवाब दीजिएगा कि दोनों का एक ही मतलब होता है। कैसे, तो ध्यान दीजिए। कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी रहना और इम्परफेक्ट का मतलब होता है कि पूरा नहीं होना, मतलब इम्परफेक्ट है, अधूरा है। और पास्ट का मतलब तो आपको पता है, जहाँ था, थे, थी लगा हो या ये ई लगा हो। हिंदी सेंटेंस पर ध्यान दीजिए बाबू, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे कहा जाए कि मैं जा रहा था। याद रखना बाबू, जाना क्या है, तो एक वर्ब है, एक्शन है। तो कह रहा है कि मैं जा रहा था, मतलब जाने का काम जारी था, तो क्या हो गया, कंटिन्यू हो गया। और जारी था मतलब जाने का काम पूरा नहीं हुआ था, तो क्या हो गया, इम्परफेक्ट हो गया। तो दोनों के एक ही अर्थ हुआ ना, कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। ओके, अब मैं चाहूँगा बाबू कि जब यहाँ कह रहा है कि रहा था, तो मैं क्यों नहीं इस टेंस का सिंबल ही लिखा दूँ कि हिंदी सिंबल क्या होता है। कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का वाक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक है? तो आपको याद रखना है बाबू। क्या याद रखना है, तो ध्यान दीजिए, विद वर्ब। विद वर्ब मतलब क्रिया के साथ। हिंदी वाक्य के अंत में अगर लगा रहे रहा था, रही थी, रहे थे, इटीसी, तो समझ जाइएगा कि वो वाक्य क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, यानी कि पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो आप तो पहचान लिए ना। अब जो है कह रहे कि मैं जा रहा था, तो रहा था इसमें है ना, तो कौन सा टेंस हो गया, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। अब मैं चाहूँगा कि इसका स्ट्रक्चर भी लिखा दूँ कि किस स्ट्रक्चर से ये सेंटेंस बनाए जाएंगे। तो ध्यान देना है बाबू, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वाज लिखेंगे, उसके बाद जो है वर लिखेंगे। इसका उच्चारण लोग गलत करता है बाबू, ध्यान दीजिएगा इसका उच्चारण क्या होता है, वर। अगर नोट की आवश्यकता पड़ेगी तो नोट लिखेंगे, प्लस वी फोर लिखेंगे, यानी कि वर्ब में आई एन जी, प्लस ऑब्जेक्ट यानी कि अदर वर्ड्स। अब हम क्या करेंगे बाबू कि इसी स्ट्रक्चर पर इस वाक्य को हम अरेंज कर देंगे कि मैं जा रहा था। ओके, लेकिन इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने से पहले मैं बता दूं कि वाज कहाँ लगेगा और वर कहाँ लगेगा, ध्यान देना है। तो याद रखना है बाबू, वाज कहाँ लगेगा, तो आई के साथ, ही के साथ, सी के साथ एवं सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन मतलब कोई एक नाम। अगर मर्द का नाम आ जाए तो राम समझ लीजिए, अगर महिला का नाम आ जाए तो सीता समझ लीजिए। ओके, और बाकी सब के साथ क्या लगाते हैं बाबू, वर लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, जैसे यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ एवं एक से अधिक नाम, यानी कि प्लुरल नाउन के साथ। क्या याद रखेंगे, प्लुरल नाउन। तो प्लुरल नाउन में क्या आ जाएगा,
एक से अधिक नाम आ जाएगा, जैसे राम, सीता, डॉट डॉट, एटीसी। इनके साथ क्या लगेगा बाबू? वर लगेगा। और बाकी सब के साथ क्या लगेगा? वाज लगेगा। ये कन्फर्म हो गया कि वाज कहाँ और वर कहाँ। ओके, अब हम क्या करेंगे बाबू, इस स्ट्रक्चर पर इस सेंटेंस को हम अरेंज करेंगे। तो इसमें देखेंगे कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कह रहा है तो सब्जेक्ट क्या है? आई है, तो कहेंगे आई। और आई के साथ देखेंगे क्या लगा है? वाज लगा है, तो कहेंगे बाबू कि आई वाज। और जाना तो गो, और याद रखिएगा इसमें क्या कह रहा है? आई एन जी, चूँकि नॉट कह रहा है तो नॉट तो है नहीं इस वाक्य में, तो कहेंगे आई वाज गोइंग, मैं जा रहा था। क्या जी? कि वह खेल रही थी, वह खेल रही थी, वह ध्यान देना है बाबू, समझिए पहले कंसेप्ट समझिए। खेलना क्या हो गया? एक वर्ब है, क्रिया है, एक्शन वर्ब है, और ये क्या है? जारी है, मतलब अभी पूरा नहीं है, पूरा नहीं हुआ है। वह खेल रही थी, कब से खेल रही थी, कब तक खेलेगी ये पता नहीं है। तो क्या है वो? कंटिन्यू है ना, मतलब जारी है। इम्परफेक्ट है, मतलब पूरा नहीं है, खेलने का काम पूरा नहीं हुआ है। तो वह खेल रही थी, तो वह का अंग्रेजी क्या होगा बाबू? सी, क्योंकि यहाँ रही लिखा हुआ है, ये किसी स्त्री का बोध करा रहा है, तो कहेंगे सी वाज। और खेलना का अंग्रेजी होता है बाबू प्ले, तो इसमें आई एन जी जोड़ दीजिए, सी वाज प्लेइंग। वेरी सिंपल, मेरे ख्याल से आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का सिंबल क्या होता है, कैसे पहचानेंगे हिंदी वाक्य को, और क्या इसका स्ट्रक्चर होता है, और इंग्लिश में अगर सेंटेंस दिया रहे तो कैसे पहचानेंगे। तो इंग्लिश में दिया रहेगा तो देखेंगे कि अगर वाज लगा हो, वर लगा हो, और वर्ब में आई एन जी लगा हो, तो समझ जाइएगा कि ये पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का वाक्य है। ओके, अब आइए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कुछ सेंटेंस बनाने का। जैसे द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अचीविंग योर ड्रीम्स इज हैविंग द राइट कोच। गेट द बेस्ट एजुकेशन विद इंग्लिश प्लस बाय संजीव सिवानी एंड मेक योर स्पोकन इंग्लिश ड्रीम्स कम ट्रू। डाउनलोड द ऐप नाउ।